सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ बहुत ही यूनिक यूनिक सा कुछ नया करेंगे जो कि आपके खाने का टेस्ट बढ़ा देगा। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला स्नैक्स बनाने के लिए देखे मैंने लिया है सूजी को। 1 कप सूजी है, ये बिल्कुल बारीक वाली है। इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है 1 आध मिनट के लिए। तो सूजी बारीक वाली ना हो तो हल्का सा मिक्सी में चला कर ले लेना, तो सूजी का कलर चेंज नहीं होने देंगे। ये देखिए मैंने इसको 1 मिनट रोस्ट कर लिया है, कलर भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसको निकाल कर अब कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें डालेंगे राई, आधी चम्मच से भी कम डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके लिया है इसको भी डाल देंगे। तो इसको भी थोड़ा सा पकने देंगे, हल्का सा पक जाएगा तो पानी डाल देंगे 2 कप। जितनी सूजी लेनी है ना उससे डबल पानी लेना है, 2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे और साथ में नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालना, मतलब जितनी सूजी है ना उसी हिसाब से आपने नमक ले लेना है। और इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो पानी में बॉईल आ गया है तो अब सूजी डाल देना जो हमने रोस्ट करके रखी है ना। तो सूजी को डालकर गैस बिल्कुल लो कर देना और अच्छी तरह से हिलाते रहना जिससे कि इसमें लम्स वगैरह ना पड़े। अब ये देखिए सूजी जो है अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो कढ़ाई भी छोड़ चुकी है। तो गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। सूजी ठंडी हो गई है तो हाथ से थोड़ा सा इसको मल लेना जिससे कि इसमें लम्स वगैरह ना रहें और ये चिकनी सी हो जाएगी। तो अब इसके देखिए मैं छोटे छोटे से लड्डू जैसे बना रही हूँ, बॉल्स बना रही हूँ, ऐसे बना लेना। और इसको आप 2 तरीकों से और भी बना सकते हो, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करते वक्त ना आपने ये ख्याल रखना है कि इसको शुरू में आपने जल्दी से हिलाना नहीं है। जल्दी से हिलाएंगे तो ये चिपकेंगे बॉल्स, इसलिए थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देना। गैस की फ्लेम मीडियम और हाई मीडियम रखना। और अब ये देखिए बड़े आराम से इनको मैं हिला रही हूँ, कोई चिपक नहीं रही है और अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई हैं। तो इनको निकाल लेते हैं। अब दूसरे तरीके से आप ऐसे बना सकते हो कि देखिए आप ऐसा कोन बना लेना, पॉलिथीन का कोन बनाकर आगे से थोड़ा कट कर लेना और इस तरह से इसको बना सकते हो। या फिर ये देखिए पतली वाली पॉलिथीन होती है ना जिसमें सब्जी वगैरह मिलती है, तो आप इसमें भी बना सकते हो इस तरह से। देखिए जो भी तरीका आपको अच्छा लगे ना आप बना सकते हो। देखिए आप स्नैक्स वैसे तो तैयार हो गया, आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो टोमेटो सॉस या चटनी के साथ। बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनता है, पर मैं इसको अभी और टेस्टी कर रही हूँ। तो देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें डाल दिया है प्याज, 1 छोटे साइज़ का प्याज बारीक काट कर लिया है। थोड़ा सा इसको पका के ना इसमें डालेंगे आलू, छोटा छोटा काट कर, पतला पतला काट कर आलू डालना है। वैसे अगर आपको आलू नहीं पसंद इसमें डालना तो चाहे स्किप कर सकते हो, लेकिन आलू से इसका टेस्ट बहुत बढ़ता है। और साथ में टमाटर भी डाल दिया है छोटा छोटा काट के। इनको हमने गलाना है तो कढ़ाई को कवर कर दें, गैस को कर दें चाहे लो, 2-3 मिनट लगेंगे बस। तो देखिए अब आलू गल गए हैं, तो इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ मैं। शिमला मिर्च तो वैसे ही जल्दी से गल जाती है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और ये मैंने लिया है मैगी मसाला है, मैजिक जो आता है ना ये डाल देंगे। अगर नहीं है तो जो मैगी के साथ टेस्ट मेकर आता है ना, आप चाहो तो वो डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो सॉस, जितनी आपको पसंद हो। मैंने तो 3 चम्मच के करीब ली है, और साथ में इससे मीठा हो जाएगा थोड़ा सा, तो खट्टा करने के लिए विनेगर डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच, जितना आपको खट्टा पसंद हो। चाहो तो आप इसमें कोई सॉस भी डाल सकते हो, जैसे मैंने ये सेज़वान हॉट वाली ली है, स्पाइसी होती है, ये डाल रही हूँ। चाहो तो डाल लेना, नहीं तो आप स्किप कर देना। और साथ में अब इसमें बॉल्स चली जाएंगी, जो बॉल्स हमने तल के रखी है ना, दोनों तरीके की डाल देते हैं। ऊपर से डाल देंगे इसमें हरी मिर्च काट के लिया है, हरा धनिया लिया है। ये बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स बन गया है। तो इसको आप किसी के सामने भी सर्व करोगे ना, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। आप खुद भी बनाकर खा सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, लंच बॉक्स में दे सकते हो, गेट टुगेदर में बना सकते हो, किटी पार्टी में बना सकते हो। बहुत ही यम्मी लगता है, बनाया हुआ सर्व किया हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। अब बनाएंगे दूसरा स्नैक्स, इसको बनाएंगे प्याज से। तो देखिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसको हमने पतला लंबा लंबा काटना है। तो देखिए आपने पतला लंबा काट लेना है दोनों प्याज को,
उसके बाद बाउल में लेकर ना इसकी लेयर्स अलग करनी है, लच्छे लच्छे से ना अलग करने हैं, इस तरह से कर लेना। सारे लच्छे अलग हो जाए ना, फिर इसमें आपने डालने हैं मसाले। जैसे सबसे पहले मैं पिसा धनिया आधी चम्मच डाल रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर स्वाद के अनुसार आप डाल लेना, और ये मैंने अजवाइन ली है थोड़ी सी, ये भी मैंने धनिया ही लिया है, साबुत धनिया को थोड़ा सा ना मैंने कूट कर लिया है, एक एक दाने के ना तीन तीन चार चार पीस हो जाते हैं ना, तो डालना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाट मसाला डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे, अभी नमक नहीं डाला है। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया भी थोड़ा सा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू, तो एक आलू मैंने लिया है उबला हुआ, इसको ग्रेट करेंगे, तो आलू आप ग्रेट करके ही डालना, हाथ से मैश करके नहीं डालना। और अब इसमें डालेंगे हम, देखें, चावल का आटा 1 टेबल स्पून, जिससे ना स्नैक्स क्रिस्पी बनेगा, और साथ में बाइंडिंग के लिए इसमें जाएगा मैदा 3 टेबल स्पून। आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर बाइंडिंग नहीं आ रही हो तो इसमें ज़्यादा डाला जा सकता है। तो देखिए अब इसमें नमक भी डाल देंगे, अभी तक नमक नहीं डाला था। सारी चीज़ें मिला देंगे हम इसमें, आप चाहो तो मैदे की जगह ना बेसन का यूज़ भी कर सकते हो। तो इसको अभी 5-7 मिनट ऐसे ही छोड़ देना, जिससे कि अभी नमक डाला है ना तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ देगा। तो अब इसको 5 मिनट के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो देखिए ये सूखा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, 3-4 चम्मच के करीब गया है, आप देख लेना जब मिक्स करोगे तो पानी डाल लिया है। बहुत ज़्यादा इसे गीला भी नहीं करना है ना, तो ऐसा करना है, देखिए ऐसा रहेगा, गीला इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो अब इससे ना बॉल्स बना लेते हैं। तो ये हम बना रहे हैं प्याज के पकोड़े अलग तरीके के। अभी हम प्याज के पकोड़े बनाते हैं तो बेसन में घोलकर प्याज वगैरह डालते हैं ना, बेसन घोलते हैं फिर प्याज डालते हैं, तो वो टेस्ट ज़्यादा नहीं आता, बेसन का ही टेस्ट ज़्यादा आता है। तो आप ऐसे बनाओगे ना तो प्याज के लच्छे भी आएंगे खाने में और आलू का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए सारी बॉल्स बनाकर इसको फ्राई करना है, जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसे सॉस या चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे सबको, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार ऐसे ही बनाएंगे। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।